अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हिस्सा लेना है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए दिन बयानबाजियां लगातार जारी हैं। अब ये बयानबाजी सारी हदें तोड़ रही हैं। बता दें, एएमयू छात्र संघ के सचिव मोहम्मद फहद ने अब धमकी दी है कि एएमयू कैंपस में अगर बीजेपी आरएसएस के नेता आए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की बोटी बोटी नोच दी जाएगी। जी हां, कुछ इसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब खुलेआम हिंसा की धमकी दी जा रही है। बता दें, इससे पहले भी छात्र संघ की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति का तो स्वागत है, लेकिन उनके साथ में संघ के नेताओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर राष्ट्रपति के नाम पर ये बयानबाजी क्यों हो रही है। एमयू इंतजामिया को मैंने पहले चेतावनी दे दी है कि उनकी बोटियां नोच डालूंगा अगर किसी को भी इस इदारे के अंदर बुलाया गया राष्ट्रपति के अलावा। और जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हमें बताया कि इस प्रोटोकॉल के अंदर कौन आ रहा है, और प्रोटोकॉल में अगर किसी के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाई गई तो इस कन्वोकेशन का बायकॉट कर दिया जाएगा। और मेरे यहाँ के तलबा से भी अपील है कि ये डिग्री अपने आप को गैरत से लेनी है या जिल्लत से लेनी है। अगर जिल्लत से लेनी है तो फिर जाइए, डिग्री लीजिएगा और पकौड़े बेचिए। एमयू इंतजामिया को मैंने पहले चेतावनी दे दी है कि उनकी बोटियां नोच डालूंगा अगर किसी को भी इस इदारे के अंदर बुलाया गया राष्ट्रपति के अलावा। और जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हमें बताया कि इस प्रोटोकॉल के अंदर कौन आ रहा है, और प्रोटोकॉल में अगर किसी के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाई गई तो इस कन्वोकेशन का बायकॉट कर दिया जाएगा। और मेरे यहाँ के तलबा से भी अपील है कि ये डिग्री अपने आप को गैरत से लेनी है या जिल्लत से लेनी है। अगर जिल्लत से लेनी है तो फिर जाइए, डिग्री लीजिएगा और पकौड़े बेचिएगा।